ये कहानी एक ऐसे इंसान के जज्बे की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसकी कोशिशों से अनगिनत विकलांगों के जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव आया, जिसकी वजह से गुजरात का हर विकलांग अपने पैरों पर खड़ा हो सका है। गुजरात के खेड़ा जिले के छोटे से गांव अडास में 17 मई 1956 को कनू टेलर का जन्म हुआ। बचपन में कनू टेलर पोलियो का शिकार हुए। गांव की स्कूल में अपने शरीर को घसीटते हुए कनू टेलर जब जाते तो बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते। कुत्तों से बचने के लिए वह अपने पास पत्थर रखा करते थे। किशोर अवस्था में पहुंचे तब यह जिल्लत और लाचारी भरे जीवन को समाप्त करने का उन्होंने निर्णय कर लिया। कनू टेलर ने नींद की बहुत सारी गोलियां ले ली, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। वे बच गए। कनू टेलर के हाथों अनगिनत विकलांग लोगों का उत्थान जो लिखा था। इस नए जीवन के साथ ही उन्होंने विकलांगों के लिए कुछ करने का जज्बा बना लिया। प्राथमिक शिक्षा गांव में लेने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में कॉलेज के दूसरे साल तक अभ्यास किया। इस दौरान उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। अपंग मानव मंडल के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने 1979 में राज्य के सभी विकलांगों को सरकारी बसों में मुफ्त सवारी की सुविधा देने की जोरदार मांग की। अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए वे अनशन पर उतर गए। 11 दिन के बाद सरकार झुक गई और पूरे राज्य के विकलांगों को मुफ्त बस सवारी का लाभ मिलना शुरू हुआ। यह उनकी पहली जीत थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। 1985 में कनू टेलर सूरत आए। कमाने का जरिया ढूंढ रहे कनू टेलर उस दौरान फुटपाथ पर भी सोए। सूरत में क्रिप्को के तत्कालीन डायरेक्टर श्रीमान एचएस कोहली ने कनू टेलर का हाथ थामा। उनकी प्रेरणा से टेलर ने विकलांग बंधु प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। इस प्रिंटिंग प्रेस की खासियत यह थी कि इसमें काम करने वाला हर कर्मचारी विकलांग था। तो सूरत में 1985 में मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। सोचा कि मेरे जैसे तो बहुत विकलांग लोग हैं, उसको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाए। तो 85 से मैंने पहले ही दिन से मेरे वहाँ 10 विकलांग बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिलाना चालू किया, जिसमें कंपोज बाइडिंग और बुक बाइडिंग प्रेडिंग चलाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कनू टेलर ने इस तरह अपने जैसे कई विकलांगों को अपने पैरों पर खड़ा होना और आत्मनिर्भर होना सिखाया। इस मकाम पर पहुंचने से पहले कनू टेलर कई कीर्तिमान बना चुके थे। 1979 में यूनो द्वारा जिनेवा में मिली वर्ल्ड मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए गए वे पहले भारतीय थे। कॉन्फ्रेंस में कनू टेलर द्वारा भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व किया गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1981 की साल को ईयर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप के रूप में मनाया। 1982 में अमेरिका में नेशनल सोसाइटी फॉर हैंडीकैप द्वारा हुई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री कनू टेलर द्वारा करवाया गया। टेलर अब स्थानीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय फलक पर विकलांगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विकलांगों में उम्मीदें और बढ़ गई। 1990 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के हाथों कनू टेलर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट बुश कनू टेलर से प्रभावित हुए और उन्होंने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की कुर्सी पर टेलर को बैठाया और उनका बहुमान किया। 1992 में अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के मायामी शहर में जूनियर चैंबर्स द्वारा अपने क्षेत्र में खास प्रदान करने वाले 10 व्यक्तियों का आउटस्टैंडिंग यंग पीपल का अवार्ड दिया गया। इनमें से एक कनू टेलर भी थे। 1993 में कनू टेलर सूरत के लायंस क्लब मिडवेस्ट के पहले विकलांग प्रमुख बने। लंदन की टूर पर गए कनू टेलर को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर से मुलाकात करने का मौका मिला। यहाँ पर वर्ल्ड हैंडीकैप ऑर्गेनाइजेशन ने उनको 1,00,000 पाउंड की धनराशि दान के रूप में दी, लेकिन यह धनराशि का कनू टेलर ने पूरी विनम्रता के साथ अस्वीकार किया। देश विदेश में कनू टेलर को सम्मानित करने का जैसे सिलसिला शुरू हो गया था। 1991 में कनू टेलर ने सूरत शहर और आसपास के विकलांगों की सेवा करने के लिए डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस ट्रस्ट के द्वारा कनू टेलर विकलांगों के लिए स्कूल बनाना चाहते थे। उनका यह सपना पूरा हुआ 1997 में।
स्थानीय प्रशासन ने एक स्कूल के 10 कमरे दिए और वहां सिर्फ 4 विकलांग बच्चों से पाठशाला की शुरुआत हुई। शहर की झोपड़ पट्टियों में जाकर विकलांग बच्चों के माता पिता को समझाया गया और इस तरह छात्रों की संख्या बढ़कर 118 हो गई। सूरत शहर ने कनू टेलर के इस ज्ञान यज्ञ को सराहा और दान का जैसे एक प्रवाह शुरू हो गया। सभी बच्चों को यहाँ मुफ्त शिक्षा और खाना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें घर से लाने ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, किताबें, स्कूल बैग भी उपलब्ध करवाए गए। सन 2000 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 कमरों के साथ बेहतर जगह दी, जिसमें छात्रों की संख्या बढ़कर 400 हो गई। उधर सम्मान का सिलसिला भी जारी रहा। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कनू टेलर का सम्मान किया। गुजरात सरकार ने भी उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयर, बेस्ट पर्सन और गुजरात गौरव जैसे अवार्ड देकर सम्मानित किया। 1997 में उन्हें भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के हाथों नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री कनू टेलर को 40 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। सन 2006 में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कनू टेलर को 4500 स्क्वायर यार्ड जमीन निःशुल्क दी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत ने रखी नींव की पहली ईंट। ऐसे अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करने में उनको जितने भी सहायता की आवश्यकता होगी उस सहायता की पूर्ति होगी। और ये समझे कि हम जो हम अपाहिज हैं, आपको मालूम है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये अपाहिज था। आधुनिक डिजाइन के साथ और विकलांगों की शारीरिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस स्कूल का निर्माण बड़ी तेजी से किया गया। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और खास विकलांग मैरिज ब्यूरो जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। आज स्कूल में 415 बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर साल प्रत्येक विद्यार्थी के नाम पर 1000 से 1500 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए जाते हैं। भारत में गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ विकलांगों के लिए 1 से 12 तक का स्कूल चल रहा है और जिसमें भी कनू भाई का बहुत बड़ा योगदान है। इस स्कूल में पढ़े बच्चों में से आज कई डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट बन चुके हैं। बहरहाल कनू टेलर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। विकलांगों के इलाज और ऑपरेशन के लिए स्कूल के आंगन में ही एक बड़ा आधुनिक अस्पताल बनाने का ख्वाब उन्होंने देखा। बस जहां चाहा वहां रहा। मुंबई के पीएन हरियाणी फाउंडेशन ने 5 करोड़ रुपए का दान कर अस्पताल बनाने का जिम्मा उठाया। आज यहां सभी प्रकार के मेडिकल साधनों, ऑपरेशन थिएटर से लैस आधुनिक प्रभु जनरल हॉस्पिटल बन चुकी है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। कल कुदरत की मजाक के सामने हार मानकर जीवन समाप्त करने जा रहे कनू टेलर ने अपने जज्बे से आज अनगिनत विकलांग लोगों का जीवन बदल दिया है। हालांकि कनू टेलर अभी भी ना ही थके हैं ना ही रुके हैं। वैसे व्यक्ति हैं जो मंजिलें पाने के बाद भी नई मंजिलें और उसके नए रास्ते भी तलाश लेते हैं। श्रीमान कनू भाई टेलर का सम्मान भारत की संवेदनापूर्ण विरासत का सम्मान है। श्री कनू भाई स्वयं भले विकलांग रहे हो, लेकिन वो समाज की विकलांगता दूर करने में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दे रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों की आबादी विकलांगता से अभावित है। इन विकलांगजनों को सर उठा के जीना सिखाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तकरीबन 3 दशक से एक ही मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं कनू भाई। वे अपनी मंजिल में बढ़े जा रहे हैं,
और पीछे कुछ ऐसे कारनामे छोड़ते जा रहे हैं कि उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। उन कारनामों का एक नमूना है डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जहां विकलांगजनों के प्राथमिक अधिकार शिक्षा का अति उत्तम प्रबंध किया गया है, जिसके लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया है। शायद ही किसी स्कूल की सुबह इतनी सुंदर होती होगी। बच्चों से भरे बस जब यहाँ रुकते हैं तो दृश्य देखने लायक होता है। सभी बच्चे अपनी अपनी कमियों को भूल कुछ बनने, कुछ कर दिखाने का जज्बा लेकर आते हैं। साहस की ये नमी, कुछ रंग भरो इनमें तुम कहीं। गुमसुम आँखों को दे मस्ती, खामोशी को दे शोर, कभी मेहमान तू बन जा खुशियों का, इतना ही कर एहसान। कभी जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही। ये स्कूल किसी अन्य स्कूल से कम नहीं है, बल्कि हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्कूल खास है, क्योंकि इसे हर प्रकार से डिसेबल फ्रेंडली बनाया गया है। व्हीलचेयर पर बैठे बच्चों के लिए रैंप की सुविधा है, जिससे वे अपने क्लास तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही लिफ्ट की सुविधा भी हर पल होती है, ताकि बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं उठानी पड़े। बस इतना ही नहीं, और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरिडोर में दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई है। इस तरह बच्चों की विकलांगता को उनकी ताकत बनाकर उन्हें उज्जवल भविष्य का ख्वाब देखना सिखाया है। अब ख्वाब दिखाया है तो उसे पूरा भी तो करना होगा, और उसके लिए स्कूल ने बहुत ही उत्तम प्रबंध किया है। आइए अपने काबिलियत के मुताबिक क्लास में पढ़ रहे इन बच्चों से ही हम जानते हैं कि इस स्कूल में किस प्रकार उन्हें बराबरी का मौका मिला है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्कूल में रहना। Love my school. और घर पे जाने का मन नहीं होता है। इस स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सर भी मुझे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सब सौ टीचर ऐसे जैसे मेरे घर के माँ बाप प्यार करते हैं, उनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी जो स्कॉलरशिप आती है वो डायरेक्ट स्कूल की तरफ से बैंक के खाते में जाती है। जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसको निकाल के यूज करते हैं। I love my school. साथ दे किसी के ख्वाब को, दे एहसास किसी की जीत को, बांट ले किसी के दर्द को, दे प्यार किसी की हार को, जज्बात ये समझे हर दिल का, कर देना है आसान सभी। जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही, आज है जो कल ना हो कभी, जो सोच ले मिलके हम सभी, आसमान देखेगा जमी जब उठे सभी से हम सभी, निकलेंगे जो हम मंजिल की तरफ, हर दिन की होगी शाम नई। जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही, जीना है जीना बस यही। Disabled Welfare Trust of India. अनमोल बच्चों को
शिक्षा की रोशनी दे। उम्मीद का वो पंख दिया है कि वे अब हर उड़ान के लिए सक्षम है। कौन कहेगा इन छवियों को देखकर कि ये बच्चे औरों से किसी भी तरह कम है? तभी तो चाहे वो कंप्यूटर हो या संगीत कला, चित्रकला हो या खेलकूद, कनु भाई के ये नन्हे मुन्हे सभी कार्यों में निपुण हैं। चार बच्चों से शुरू की गई ये स्कूल आज 400 से भी अधिक बच्चों को प्रशिक्षित कर रही है। साथ ही यहाँ हर रोज बच्चों को पौष्टिक लंच दिया जाता है और हर हफ्ते इनका हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है। हेल्थ चेकअप के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन भी बच्चों में ऑपरेशन या फिजियोथेरेपी द्वारा सुधार आने की आशा होती है, उनके ठीक होने के लिए हर छोटी से लेकर बड़ी सभी सुविधाएं कराई जाए। पद्मा का इलाज गुजरात में होना संभव नहीं था। कनु भाई ने पद्मा को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिला करवाकर उसका पूरा इलाज करवाया कि आज वो सामान्य जीवन व्यतीत कर पा रही है। हम लोग घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग को बहुत मजा आती है। वहीं दूसरी ओर पूजा दोनों ही हाथों से पोलियोग्रस्त है। उसके ठीक होने की हर मुमकिन कोशिश जारी है, जिसके लिए उसे भी दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन करवाया गया था। इलाज के लिए दिल्ली और अन्य शहर जाना आसान नहीं हुआ करता था। इस बाबत पर कनु भाई ने गौर किया और एक हॉस्पिटल बनाने की ठान ली। कनु भाई की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसा ही हुआ। अब हर तरह का इलाज गुजरात सूरत में ही मुमकिन है, वो भी और कहीं नहीं, ठीक इन बच्चों के स्कूल के पास बने प्रभु जनरल हॉस्पिटल बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में। आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित प्रभु जनरल हॉस्पिटल बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है गरीब विकलांग जनों का निःशुल्क इलाज एवं सर्जरी करना, जिसके लिए ICU, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, वेंटिलेटर और मेडिकल स्टोर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही 24/7 डॉक्टर्स और नर्सेज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस अस्पताल में स्कूल के काफी बच्चों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। जो बच्चे जमीन पर घसीट कर चलते थे, आज बैसाखी या वॉकर के सहारे चलने लगे हैं। भारत में गुजरात एक ऐसा पहला राज्य है जहां सिर्फ विकलांगों के लिए 1 से 12 तक का स्कूल चल रहा है और जिसमें भी कनु भाई का बहुत बड़ा योगदान है। श्रीमान कनु भाई टेलर का सम्मान भारत की संवेदनापूर्ण विरासत का सम्मान है। श्री कनु भाई स्वयं भले विकलांग रहे हो, लेकिन वो समाज की विकलांगता दूर करने में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान दे। ये बच्चे स्कूल को अपना दूसरा घर मानते हैं और जो बच्चियां गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, वे तो अपने घर जाना ही नहीं चाहती। दिन भर के पढ़ाई, मस्ती, हंसने हंसाने में कैसे वक्त बीत जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ सब एकजुट होकर परिवार बनकर रहते हैं। ये विकलांग बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो यही सीख के जाते हैं कि जिंदगी एक निराला मंजर है। इन्हें जिंदगी से इश्क हो जाता है और जीवन का मकसद ही बदल जाता है। सबके सब बाहरी दुनिया में अपनी काबिलियत दिखाने को तैयार रहते हैं। तभी तो यहां से निकले बच्चे अपने जीवन के मुकाम को हासिल कर पाए हैं। कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, तो कोई व्यापारी बनकर और कुछ एक कुशल गृहिणी बनकर। आत्मनिर्भर होने के बाद
उनके खुशहाल जीवन यापन के लिए ये संस्था योग्य वर वधु चुन विवाह का संपूर्ण प्रबंध भी करवाती है, जिसके लिए मैरिज ब्यूरो भी शुरू किया गया है। न जाने कितनों की ही जिंदगी यहाँ संपूर्ण हो गई है, खुशहाल हो गई है। हमने देखा किस प्रकार कनुभाई की संस्था ने अलग अलग साधनों और योजनाओं से विकलांग जनों को शिक्षा और रोजगार की जिंदगी जीने का हौसला दिया है। अब हम मिलते हैं इन सब के पीछे छुपे मुख्य पात्र से, श्री कनुभाई टेलर से, जिन्होंने विकलांगों के हक की लड़ाई में हमेशा पहल की है, जिन्होंने विकलांगों को सर उठाकर जीने की ताकत दी है, अंततः विकलांगों की परिभाषा ही बदल दी है। So ladies and gentlemen, we have just witnessed the first part of the conferment of various degrees. We move on now to the second category of the awards. We start first with honoris causa. The Vice Chancellor shall present the candidate for honoris causa, Doctor of Letters. Let the candidate be presented. Born on the 17th of May, 1956, in a family of humble background, Sri Kanubhai Hashmukh Bhai Taylor, despite being a Divyang child, captive of many socio-economic obstacles, grew up fighting all odds with an indomitable spirit and courage. In recognition of his contributions in advancing the cause of humanitarian services for the differently abled, Northeastern Hill University hereby awards Sri Kanubhai Hashmukh Bhai Taylor with the degree of Doctor of Letters, honoris causa. Vice Chancellor, sir, I present to you Sri Kanubhai Hashmukh Bhai Taylor for the award of degree of Doctor of Letters, honoris causa, to which I pray he may be admitted. By virtue of the powers vested in me as Vice Chancellor of Northeastern Hill University, I confer on you, Sri Kanubhai Hashmukh Bhai Taylor, the degree of Doctor of Letters, honoris causa, of this university. May I now request our Honorable Chief Guest, the President of India, Sri Ramnath Kovindji, to kindly do the honors of presenting the award. Let us all stand up as a mark of ovation. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, what a touching moment that Honorable President of India, sir, has shown his compassion and sensitivity to the Divyang. Let us once again please give Honorable President a big hand of applause. Please, thank you very, very much, sir. Samaj mein, गुजरात में और पूरे देश में विकलांगों की बहुत कुछ समस्या है। किसी ने तो कुछ करना ही चाहेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये विश्वास के साथ मैं 1985 में सूरत आया। 85 में सूरत आके मैं फुटपाथ पे सोया रहा 3 साल। उनके बाद मैंने यहाँ की जितनी भी झुपड़पट्टी थी स्लम एरिया की, वो उसमें मैंने सर्वे किया तो 1280 बच्चे मुझे मिले कि उनका माँ बाप उनको कुछ खाने नहीं देते थे, उनके पास कुछ कपड़े भी नहीं थे तो शिक्षण कैसे देंगे। सूरत शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने मुझे बुलाया और कहा कि बच्चों के लिए कुछ करो। मैंने कहा उसको पहले एजुकेशन करना पड़ेगा, उनके बाद ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर उनका पुनर्स्थापन आपो आप हो जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं था,
मेरे पास एक दिखा हुआ सच्ची खुली आंखों से दिखा हुआ एक सपना था कि मैं कुछ करूं। ये सपने की वजह से मैंने पुलिस कमिश्नर को बोल दिया कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जहां विकलांगों को लिए, अपाहिजों को लिए शिक्षण तालीम, उनके साथ पुनर्स्थापन और उनका आरोग्य का भी मैं ख्याल करूंगा। और 97 में मैंने चार बच्चों से एक बच्चों की स्कूल, विकलांग अपाहिज बच्चों की स्कूल चालू किया कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में एजुकेशन में डिसेबल के लिए नहीं हो ऐसी एक यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। हे ईश्वर, तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं उनके लिए एक ओल्ड एज होम बनाऊं और उसमें उसका मृत्यु का लास्ट श्वास इतनी शांति से जाए कि भगवान भी ऊपर उनको ले जाए तो उनके मन में एक शांति रहे। मुझे आपकी वाइब्रेशन और आपका आशीर्वाद मेरी शक्ति, मेरी सद्बुद्धि और मेरे कार्य के संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे लिए एक अमूल्य आपकी भेंट हो पाएगी। मैं आप लोगों को आई ही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होएंगे वहाँ कहीं भी आप विकलांग लोगों को देखे हो तो आप ये हमारे एड्रेस पे संपर्क करिए और एक विकलांग का आप सहारा बन के रहिए। यही मेरी आपको विनती है, यही मेरी विनती है। तो इस प्रकार कनु भाई और उनकी संस्था शून्य से शिखर पर पहुंची है और यहाँ बने रहने के लिए हर रोज संघर्ष करती है। इन संघर्षों के बीच अगर उन्हें कोई मुस्कान के दो पल देता है तो वो है इन बच्चों का साथ और अपार प्यार। इस मंजिल पे चलने के लिए अनगिनत लोगों ने कनु भाई का साथ दिया है। उनमें से कुछ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हजीरा के श्री एच एस कोहली जी, जिनका योगदान संस्था की नींव रखने के साथ ही जुड़ गया था। पाटली कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट सूरत, पी एन हरियाणी फाउंडेशन मुंबई, जिन्होंने अपने सहयोग से डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया को नई पहचान दी। वैल्यू एडेड फैशन फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड सूरत, सुराना ग्रुप से सुनीता बाबूलाल सुराना सूरत, लेट श्री काशीराम भाई राणा, ओएनजीसी हजीरा, रामकृष्ण एक्सपोर्ट सूरत, एलएनटी हजीरा और भाटिया मोबाइल के मालिक जो खुद भी पैराप्लेजिक है। हर एक का नाम लेना तो मुमकिन नहीं, पर इन असंख्य दाताओं के बिना ये मंजिल पार करना भी मुमकिन नहीं था। सरकार की ओर से दी गई आयकर मुक्ति की सुविधा ने इन प्रयत्नों को और भी बढ़ावा दिया है। पैरों के बिना हम चूमते हैं आसमां, आंखें बिना हम चूमते हैं मंजिल, हम भरते हैं ऊंची उड़ान, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यहाँ, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है यहाँ।